हाय स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेक्चर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। इसकी वर्कशीट और आंसर की आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है। होपफुली आप सभी ने उसे सॉल्व भी कर लिया होगा, और अगर आपने उसे सॉल्व कर लिया है तभी आप इस वीडियो सेशन को देखें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सामने स्क्रीन पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, क्लैंडेस्टाइन, और आपसे कहा जा रहा है कि क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम आपको बताना है। तो हो सकता है आपको मालूम हो, क्लैंडेस्टाइन का मतलब है छिपकर, है ना, हिडन तरीके से। जब किसी काम को हिडन तरीके से किया जाए, सीक्रेट रखा जाए, प्राइवेट रखा जाए, हाँ, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, तो वही पर हम इस्तेमाल करते हैं क्लैंडेस्टाइन का। हिडन है, सीक्रेट है, प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है, कोवर्ट है, इंसीडियस है, ये देखिए, सरेप्टिशियस है, स्टेल्थी है, ठीक, स्टेल्थी। एक वर्ड लेटेंट भी होता है, आपने गुप्त ऊष्मा पढ़ी होगी, लेटेंट एनर्जी कहा जाता है उसे। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑकवर्ड, इनकंसिस्टेंट, इनसीडियस और अगली, ये इसका सही आंसर है। मैंने सारे वर्ड्स लिखे यहाँ पर, इनसीडियस नहीं लिखा क्योंकि ये ऑप्शन में था। तो इनसीडियस का मतलब भी होता है किसी काम को जब गुपचुप तरीके से किया जाए, तो वो इनसीडियस लव स्टोरी एक तरीके से, या इनसीडियस तरीके से किसी के शरीर में कोई बीमारी बढ़ रही हो या फैल रही हो, इनसीडियस तरीके से, या जैसे कि COVID-19 जो है हमारी बॉडी में इनसीडियस तरीके से इंसर्ट करता है, प्रवेश कर जाता है, तो ये इनसीडियस नेचर है, गुपचुप तरीके से। ऑकवर्ड मतलब जो चीज आपको स्ट्रेंज लगे, है ना, और आप फील कर रहे हो, अजीब फील कर रहे हो, इनकंसिस्टेंट। पहली बात, ये वर्ड जो है खास तौर पे परफॉर्मेंस के लिए यूज किया जाता है। इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का मतलब है जब आप कभी कुछ अच्छा करें और कभी बहुत खराब भी करें। एक होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, लगातार अच्छा ही आप कर रहे हो, और एक होता है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, तो कभी आपकी ग्रोथ हुई है, कभी ग्रोथ नहीं हुई। जैसे कि एक प्लेयर 10 मैचेस में वो पहले मैच में सेंचुरी स्कोर करता है, फिर आगे के 3 मैचेस में वो 0 पे, 10 पे, 15 पे ऐसे आउट हो जाता है, फिर मैच नंबर 6 पे वो सेंचुरी स्कोर करता है, फिर 0, 10, 15 इस तरीके से आउट हो जाता है, तो वो एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हुई, है ना, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर हुआ, जो स्टडी नहीं है, जो एक तरीके से अनस्टेडी है ना, जो इरेगुलर है, इरेगुलर है। अब अगली वर्ड आप जानते ही हैं, बदसूरत, कुरूप। सिनोनिम बताना है ऑब्डुरेट का। ऑब्डुरेट, जिद्दी बोलते हैं इसको, ऑब्डुरेट एक एडजेक्टिव है, और अगर कोई बच्चा जिद्दी है तो उसे स्टबर्न भी तो कहा जाता है, स्टबर्न बोला जाता है, ऑब्डुरेट कहा जाता है, एडमेंट हम बोलते हैं, एडमेंट, इनडिसिप्लिन भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टरी भी कह सकते हैं, बर्डनसम भी कह सकते हैं, चिड़चिड़ा भी हो सकता है, तो पीविश या पेस्टिलेंट भी हो सकता है, जिद्दी, अड़ियल जिसको कहा जा सकता है, एडमेंट, रूड। अब ऑप्शंस देखिए, ये आंसर हो जाएगा, एडमेंट लिखा ही है, एडमेंट का मतलब भी अड़ियल होता है, वही मीनिंग ही है सर, जिद्दी, हठी जिसको कहा जा सकता है। सबमिसिव होने का मतलब है ओबीडियंट होना, सबमिसिव होने का मतलब है कि आप आज्ञाकारी होंगे। ये देखिए, पहली बात, सब का मतलब ही होता है कमजोर, वीक, जूनियर, सब स्टैंडर्ड, सब जूडिस, सबमर्ज, मिला देना, मतलब जो जो कमजोर है उसके लिए सब का यूज किया जाता है। सबमिसिव होने का मतलब है जो किसी के आगे नतमस्तक रहे, जो ओबीडियंट हो, जो ओबीडियंट हो, जो ईल्डिंग हो, है ना, जो घुटने टेके जिसको कहा जा सकता है, जो ईल्डिंग है, सबमिसिव है। ईल्डिंग की स्पेलिंग अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ,
जो यील्डिंग है ना, जो सरेंडर करेगा एक तरीके से, जो डोसाइल होगा, उसको काम मतलब शांत, ऑब्सेस्ड होने का मतलब आप समझते हैं ना, इंचैंटेड होना, कभी कभी तो एडिक्टेड होना भी हो सकता है। ऑब्सेस्ड होने का मतलब है किसी एक चीज में आप बहुत ज्यादा मस्त हैं, बहुत ज्यादा आपके दिमाग में 24 घंटे वही सारी बातें आती हैं, तो ऑब्सेस्ड हो जाना एक तरीके से। जैसे कि हम जो मीडिया चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो हमें ऑब्सेस्ड बना देते हैं एक तरीके से, बीमार बना देते हैं ऑब्सेस्ड, कि हमको हमको एक माहौल के भीतर कैद कर देते हैं, तो वो ऑब्सेस्ड कर देते हैं, एक ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है कि हमारा माइंडसेट एक ही तरीके से बन जाता है। नंबर 3 पे आते हैं, सिनोनिम बताना ऑस्ट्रोसाइज का। ऑस्ट्रोसाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, जिसका मतलब होता है डिसमिस कर देना, खदेड़ देना, सस्पेंड कर देना, खदेड़ देना, थ्रो अवे। एक होता है इंक्लूड, एक हो जाएगा एक्सक्लूड, ठीक, बैन कर देना, बैन से ही बैनिश भी बनता है, ठीक, निकाल देना तो एक्सपेल कर देना एक तरीके से। हाँ, और एक डिस्पेंस भी होता है, डिस्पेंस, हालांकि डिस्पेंस के साथ विद भी लगाया जाता है, तो ऑस्ट्रोसाइज करना मतलब बहिष्कृत कर देना, निकाल देना, रिमूव कर देना। ऑप्शन में देखिए बैनिश लिखा हुआ, यही इसका आंसर है। सेंश्योर और बिरेट का मतलब है आलोचना करना, डांटना। डांटना, फटकाना, क्रिटिसाइज, कास्टिगेट जिसको कहा जा सकता है। क्रिटिसाइज आप बोल सकते हैं। ये सेंटेंस एक तो वाक्य होता है, बाकी सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, पनिशमेंट, और सजा देना भी होता है। अगर सेंटेंस नाउन है तो वो सजा है, वर्ब है तो सजा देना है, तो पनिश आप बोल सकते हैं, पनिशमेंट बोल सकते हैं, है ना। हाँ, जस्टिस करना। तो ऑस्ट्रोसाइज मतलब निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, बैन कर देना, डिस्पेंस कर देना, थ्रो अवे, और बिरेट और सेंश्योर मतलब डांटना। नंबर 4 पे आते हैं, सिनोनिम आपको बताना अबैड का, मतलब जब आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएं, मतलब जब आपको समझ में ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, किसी बात से जब आप हतप्रभ हो जाए एक तरीके से, एस्टाउंडेड हो जाए, बहुत ज्यादा चौंक सा जाए एक तरीके से, शॉक्ड हो जाए, बैल्ड हो जाए, और थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, ठगा का ठगा रह जाना, ठगा का ठगा, एक होता धरा का धरा रह जाना, एक होता ठगा का ठगा रह, किसी ने आपको चीट किया और आपको वो बात खराब लगेगी ना, लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं किया था, आपने उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऐसे में आप अपैल्ड हो जाएंगे, जो चीज आपको कष्ट दे गई हो और फिर भी आप, और आपका शब्द ना हो, जैसे आप किसी रिलेशनशिप में चीट किए गए हो, आपने कभी ना सोचा हो कि कोई चीट करेगा आपको, लेकिन चीट किया, आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको चीट किया, जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट था, फेथ था, तो आप अपैल्ड हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, ये देखिए, शॉक्ड हो जाएंगे। सैडेड मतलब दुखी, इनथ्रिल्ड का मतलब होता है एक तरीके से किसी को सेटिस्फाई करना, सैटिएट करना, है ना, मतलब अट्रैक्ट करना एक तरीके से, फैसिनेट करना, एक्सक्यूज मी, सैडेंड, सैड से बना हुआ। अलार्म्ड मतलब अलर्ट होता है, अलार्म क्यों बजाया जाता है, ताकि आप अलर्ट हो जाए ना, तो अलार्म्ड होने का मतलब है अलर्ट हो जाना, विजिलेंट हो जाना, एक्टिव हो जाना, वॉचफुल हो जाना। सिनोनिम बताना है नंबर 5 में भी, वो भी इम्बेसिलिटी का, बेवकूफी को कहा जाता है, नादानी, बेवकूफी, नासमझी जिसको कहा जा सकता है, इनोसेंस भी बोलते हैं अक्सर, बेवकूफी को, स्टुपिडिटी को बोल सकते हैं आप, ये हो जाएगा, ठीक। स्टुपिडिटी देखिए, एब्सर्डिटी भी हो सकता है, जो चीजें एब्सर्ड हैं, बेकार हैं, किसी काम की नहीं,
हाँ मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया इस वजह से, अदरवाइज मैंने किसी एक ऑप्शन को रिमूव कर दिया होता। वर्बोसिटी, वर्ब का मतलब शब्द से होता है, वर्बल ओरल मुजबानी बोलना मौखिक, वर्बोसिटी मतलब शब्दों का ढेर लगा दिया जाए, जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीजों को कहा जाए, जिसे आप एग्जैजरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो वर्बोसिटी। वेंजियांस मतलब रिवेंज, बदला, रिवेंज मतलब, वेंजियांस मतलब बदला, रिवेंज जिसे आप स्पाइट बोल सकते हैं, टेक बैक बोल सकते हैं। अब आपको आगे चलना है और आगे आपको बताना है, एंटोनिम बताना है, और एंटोनिम आपको किसका बताना है, कंसील्ड का। वैसे तो कंसील्ड का मतलब होता है छिपा हुआ, कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना, कंसील मतलब छिपाना, लेकिन जनरली कंसील का यूज किया जाता है राज को छिपाने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसने छिपाया किसे, थॉट्स को। देखिए बहुत ध्यान से समझना होगा आपको कि इस बार आपको सिर्फ एंटोनिम नहीं बताना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग एंटोनिम बताना है। जब कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सिनोनिम या एंटोनिम बताना होता है तो कई बार चीजें जो है वो टफ हो जाती है। कैसे टफ हो जाती है, आपने किसी वर्ड का मीनिंग और उसका सिनोनिम एंटोनिम याद कर रखा है, ऐसे तो ठीक है, लेकिन जब वही वर्ड किसी सेंटेंस का हिस्सा बन जाए तो हो सकता है कि जो आपने सिनोनिम याद किया हो वो सिनोनिम काम ना आए, खास तौर पे जो एंटोनिम आपने याद किया हो वो एंटोनिम काम ना आए। जैसे यही पे देखिएगा, कंसील मतलब छिपाना होता है, राज को छिपा लेना, हाइड करना जिसको कहा जा सकता है। और आप देखिएगा ये लास्ट ऑप्शन, देखिए आपको दिख रहा है रिवील्ड, ये जो लास्ट ऑप्शन है रिवील्ड, वैसे तो कंसील का यही सही ऑपोजिट है, क्योंकि जब आप फैक्ट को छिपा रहे हैं सच्चाई को तो कंसील कर रहे हैं, और जब आप फैक्ट को उजागर कर रहे हैं तो आप रिवील कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई राज तो था नहीं, कोई चोरी तो थी नहीं, कंसील उसने किसको किया, अपने थॉट्स को, और जब वो अपने थॉट्स को व्यक्त करेगा तो वो उनका खुलासा नहीं करेगा। सर आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ना कि विचारों का खुलासा करते हैं, इसीलिए विचारों को व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट, वैसे तो कंसील का ऑपोजिट रिवील्ड ही है, बट इफ यू लुक एट द एंटायर सेंटेंस, इफ यू लुक एट द मीनिंग ऑफ द एंटायर सेंटेंस, इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट इन विच कंसील्ड वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर, तो आपको पता चलेगा कि अपने मन के थॉट्स को दबा करके रखा, तो जब आपने अपने थॉट्स को सबको बताया तो उन्हें आपने एक्सप्रेस किया, इसीलिए बी चलेगा, ठीक। एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना, अफर्म करने का मतलब है हाँ करना सर, है ना, से यस, ये हो जाएगा। तो याद रखिए सर, एक्सप्रेस हो जाएगा, डिस्क्राइब डिपिक्ट, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सेंटेंस और बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है ये। नंबर 7 पे आइए, यहाँ भी एंटोनिम बताना है, और वो भी किसका, डिनाउंस का। डिनाउंस का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, स्पीक अगेंस्ट, किसी के विपक्ष में बोलना, दिस इज कॉल्ड टू डिनाउंस, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, सेंश्योर करना, तो प्रपोजल को डिनाउंस किया गया। वैसे मैं आपको बताऊं कि डिनाउंस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी व्यक्ति को डिनाउंस किया जाता है, लेकिन यहाँ डिनाउंस किया गया किसी प्रस्ताव को, तो जब प्रस्ताव को डिनाउंस किया गया तो एक तरीके से उसे उसकी आलोचना की गई, उसे खारिज किया गया, उसे उसे एक तरीके से अस्वीकारा गया, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं ना, रिनाउंस हो गया, रिकमेंडेड हो गया, अनाउंस्ड हो गया, और जेटिसंड हो गया, ये आंसर होगा, क्योंकि रिनाउंस का मतलब तो त्यागना ही होता है, अनाउंस घोषणा करना, और जेटिसन का मतलब भी होता है सर थ्रो अवे, गिव अप करना, त्यागना जिसको कहा जाता है, त्यागना। तो जब प्रपोजल को त्यागा गया तो डिनाउंस लगाया गया, और मतलब एक तरीके से उसकी आलोचना की गई तो डिनाउंस लगाया गया। अब आपको ऑपोजिट चाहिए तो प्रपोजल की सराहना की गई, उसे रिकमेंड किया गया तो आप रिकमेंड का यूज करिए। अच्छा नंबर 8 पे आइए, यहाँ भी आपको एंटोनिम ही बताना है, और एंटोनिम किसका बताना है, स्केप्टिकल वर्ड का बताना है। जब आप स्केप्टिकल हैं तो एक तरीके से आप
डाउटफुल है, क्या मैंने कहा बॉस? डाउटफुल है, अनसर्टेन है एक तरीके से, है ना, अनसर्टेन है, डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, उसके मन में एक तरीके से शी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग, जो नई दवाई उस वो लेने जा रही थी, वो उस बात को लेके स्केप्टिकल थी, भय में थी, कंफ्यूजन में थी कि ये ड्रग सेफ है लेना, ऐसा तो ना हो कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो उसे, तो उसके मन में एक दोहरा भाव था ना, शी वॉज अनसर्टेन, शी वॉज डाउटफुल, शी वॉज डुबियस, शी वॉज नॉट डिसाइडेड, इस तरीके से तो डाउटफुल तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम हो गया, शी वॉज सर्टेन, भाई अनसर्टेन थे ना, और जब आप अनसर्टेन नहीं तो आप निश्चिंत हैं, क्लियर हैं, है ना, तो श्योर हैं, तो इसीलिए आपने सर्टेन का यूज कर लिया, डाउटफुल तो सिनोनिम हो गया, डिवाइडेड वैसे तो कुछ नहीं है, स्केप्टिकल का ना तो सिनोनिम ना ही एंटोनिम, हो सकता है तो सिनोनिम ही हो सकता है, क्योंकि जब आप स्केप्टिकल हैं तो आपके मन में तमाम विचार आएंगे, और सिमिलरली जब आप डिवाइडेड हैं तब भी तो तमाम विचार होंगे, कंसर्न होने का मतलब है चिंतित होना, चिंतित होना। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अगर आपसे पूछा गया होता कि स्केप्टिकल का सिनोनिम बताइए, ध्यान से समझिएगा सर, स्केप्टिकल का सिनोनिम बताइए यहाँ के हिसाब से, तो वैसे तो स्केप्टिकल का सिनोनिम डाउटफुल है, लेकिन इस सेंटेंस को देखते हुए स्केप्टिकल का सिनोनिम कंसर्न होता, वो नए नए ड्रग की सेफ्टी को लेके उसके मन में क्या था, एक शक था, संदेह था, एक चिंता थी, एक तरीके से डर था, भय था कि पता नहीं ये ड्रग लेना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज करना जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मजा भी इसी में है। नंबर 9 पे आइए, एंटोनिम बताना है, और वो भी किसका एंटोनिम बताना, कोहरेंट का, पहली बात आंसर के साथ अगर कभी भी प्रेपोजिशन लगता है तो वो टू होता है, देखिए पूरी कहानी ये है कि आंसर एक वर्ब और नाउन दोनों है, अगर वर्ब है आंसर तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं, और अगर नाउन है तो टू लगाइए, ये देखिए आंसर्स के आगे दा लगा, आर्टिकल दा नाउन के पहले ही तो लगता है, तो ये नाउन हो गया, और नाउन है तो प्रेपोजिशन टू लगाया गया, सवाल के जो जवाब दिए गए वो सही जवाब थे, उचित जवाब थे, संबद्ध थे जवाब, संगत जवाब थे, मतलब जैसा सवाल था वैसा ही जवाब दिया गया, जैसे अभी क्या होता है कि कोई जर्नलिस्ट किसी पॉलिटिकल लीडर से कोई क्वेश्चन पुट अप करता है, कोई सवाल पूछता है, तो वो उसे घुमाने फिराने की कोशिश करता है, वो जो जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो जर्नलिस्ट को सीधे जवाब नहीं देना चाहता, वो कोहेरेंट आंसर नहीं देना चाहता क्वेश्चन का, वो चाहता है इररिलेवेंट आंसर दिया जाए, सवाल कोई और हो और जवाब कहीं और का हो, किसी और सवाल का जवाब दे दिया जाए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शनल जो जवाब दिया गया वो ऑप्शनल था, नहीं सर कंसिस्टेंट कनेक्टेड नहीं, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, जैसे सवाल था उसी से संबंधित जवाब थे, इम्पर्टिनेंट हो जाएगा सर, इम्पर्टिनेंट के साथ या इम्पर्टिनेंट का ऑपोजिट जो पर्टिनेंट होता है उसके साथ टू लगाया जाता है, पर्टिनेंट का मतलब है से संबंधित, जिसे आप पर्टेनिंग भी कहते हैं, जिसे आप ये देखिए पर्टिनेंट के सिनोनिम जो है वो पर्टेनिंग भी होते हैं, जिसे आप रेलेवेंट भी कहते हैं, और अगर लेकिन इम्पर्टिनेंट है तो एक तरीके से जो इररिलेवेंट हो, मुझे पर्टेनिंग का तो ऑपोजिट नहीं मालूम, हो सकता है इम्पर्टेनिंग होता हो, पर पर्टिनेंट का ये मतलब है उचित, सही, संबद्ध, उसी से अटैच्ड, तो इम्पर्टिनेंट टू, अब जब अटैच्ड थे जैसा सवाल था वैसे जवाब था तो कोहरेंट आया, अब सवाल कुछ और कह रहा जवाब कुछ और कह रहा है तो इम्पर्टिनेंट हो गया, कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलर होता है सर, एक कनेक्टेड सिनोनिम हो जाता अगर हमें चाहिए होता तो। नंबर 10 पे आइए, एंटोनिम बताना है और किसका बताना, ऑल्ट्रुइस्टिक का, वैसे तो ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो लीनियंट है, कौन है जो लीनियंट है, जो एक तरीके से हेल्पफुल है, हेल्पिंग है ना, जो दयावान है, जो काइंड है, पैशनेट है, कंपैशनेट है,
तो उसको ऑल्ट्रुइस्टिक कहा जाता है, पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर ऑल्ट्रुइस्टिक मोटिव के लिए यूज हो, मोटिव मतलब इरादा, नियत। तो कोई परोपकार से भरा इरादा नहीं था, दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प, जिसने उस व्यक्ति को एक तरीके से पुश किया। प्रॉम्प्ट करने का मतलब पुश करना, कंपेल करना, फोर्स करना, इनकरेज करना, ठीक है, प्रॉम्प्ट करना, जिसकी वजह से उस लड़के ने उस लड़की मदद करी। कि मतलब किसी ईमानदार इरादे से, किसी परोपकार से भरे, मदद देने से भरे इरादे की वजह से उसने उसकी मदद नहीं की थी, यानी कि उसका मोटिव कुछ और रहा होगा, मदद नहीं करना चाहता था, है ना। किसी किसी परोपकार, किसी किसी एहसान, किसी मदद के इरादे से उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। तो क्या लगता है सर, सेल्फिश नहीं होगा सर? वैसे तो ऑल्ट्रुइस्टिक का ऑपोजिट सेल्फिश होता है सर, लेकिन यहाँ विकेट लगाइए, सेल्फिश कोई पर्सन हो सकता है, और ये पर्सन नहीं है सर, मोटिव है, इरादा। इरादा अच्छा हो सकता है या गंदा हो सकता है, अच्छा है तो ऑल्ट्रुइस्टिक, गंदा है तो वो सेल्फिश नहीं होगा सर, विकेट होगा, दुष्टता से भरा हुआ इरादा, जिसमें आप किसी व्यक्ति के भरोसे का फायदा उठा करके उसके साथ दुष्टता या बदतमीजी करना चाहते हो, तो विकेट लगाइएगा। अब आप समझिए सर, सेल्फिश इसका सही ऑपोजिट है वैसे तो, लेकिन यहाँ विकेट लग रहा है। सेंसिटिव भी नहीं लगेगा, ब्रूटल भी नहीं लगेगा, ब्रूटल तो एक तरीके से सिनोनिम में ही जा सकता है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील होना। तो अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे थे, ये इरादा था, तो योर मोटिव वॉज ऑल्ट्रुइस्टिक। और आप तो किसी को लूटना चाह रहे थे ना, उसे चोट पहुंचाना चाह रहे थे, यानी कि योर मोटिव वॉज नॉट ऑल्ट्रुइस्टिक, इन फैक्ट इट वॉज विकेड। तो ये था सेशन नंबर 15, होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा, बहुत मन लगा के पढ़िए। छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातों को नोट करना बिल्कुल ना भूले, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।